दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांत, आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो मोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी फिर से शुरू में लेके आए बिटकॉइन अर्ज की सारी सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग बात करने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि चार्ट्स के अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुआ है और जो चार्ट्स है वो आप कह सकते हो एक तरीके से साइड वेस मार्केट में ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते चार्ट को चार्ट पे जाने से। दोस्तों, पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप ये था आपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स परचेज नहीं कराए ये वाला कोर्स, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, जहाँ पे आप सीख सकते हो कि मार्केट में एंट्री एग्जिट कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना है। और कल दोस्तों संडे है और कल होने वाले यहाँ पे लाइव क्लासेस शाम को, तो अगर आप कल मॉर्निंग तक भी इस कोर्स को अवेल करते हो तो आप कल की क्लासेस से ही यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आपको उसके लिए मेरे इस मेल आईडी के ऊपर आपको भेजना पड़ेगा कि यस मुझे कोर्स चाहिए और जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सीधे अपने चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहा है और मार्केट आखिरकार किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। तो दोस्तों, मैं पे आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट बिटमैक्स का, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, कल जब मैंने बात करी थी कि यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और ऑलमोस्ट जो प्राइस था वो कुछ इस रेंज के आसपास यहाँ पर चल रहा था। फिलहाल में हम लोग वन डे के चार्ट पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कि $12,000 और $11,000 यानी कि कुछ $1,000 के बीच में, तो जो प्राइस है वो उसके बीच में ही अप एंड डाउन हो रहा है और इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम अगर इस कह सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल की हाइट के बारे में बात करें कि अगर बाई चांस ये ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोगों को जो मार्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है $17,600 का। और अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है किसी भी केस के अंदर, तो जो मार्केट है वो हमारा नियरली 6,500 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, जो कि हमारा प्रीवियस जोन था। हालांकि इतना पॉसिबल है नहीं है, वो हमें फ्यूचर के प्राइस एक्शन के हिसाब से पता पड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल में जो इसकी हाइट है उसके हिसाब से अगर हम इन चीज़ों को नापते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल दोस्तों, मैं बात करूँ तो इसका जो एंड पॉइंट है वो कुछ 22 जुलाई के आसपास है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो उससे पहले इसका ब्रेकआउट जरूर होगा और किस डायरेक्शन होगा ये देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर मुझे ऐसे शॉर्ट की पोजीशंस को क्रिएट करना होगा तो मैं 11,000 का वेट करूंगा, एक बार 11,000 टूट जाए देन उसके बाद में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट रूम करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है किसी भी केस में और यहाँ जाके स्टैंड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है, देन डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेंगे, लेकिन वो हम लोग 12K से नहीं लेंगे, उसको हमको देखना पड़ेगा दूसरे किसी अल्टरनेटिव प्राइस के साथ में। यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ईएमए रिबन के बारे में वन डे के अंदर, तो आप क्लियर देख सकते हो कि फिलहाल में ईएमए रिबन जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है प्राइस के लिए, जिसके कारण जो प्राइस है वो ज़्यादा नीचे नहीं आ पा रहा है। और प्रीवियसली जब जब प्राइस नीचे आया था इसने उसको अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे करा है। तो मेनली हमको ये देखना होगा कि कल संडे है और कल यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होता है वो किस वे में जाता है, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है जहाँ पे संडे को ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर। फिलहाल में अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, ब्लास्ट नियर है और यहाँ पे इसका जो 22 जुलाई के आसपास इसका एक एंड पॉइंट आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो एक या दो दिन के अंदर ब्लास्ट हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम चांसेस जो है फिलहाल में वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिकेटर्स की तो आप क्लियरली देख सकते हो मैकडी ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है, और प्लस हम बात करते हैं RSI की तो RSI भी अपने एक साइडवेज जोन की तरफ आ गया, जो कि एक बियरिश इंडिकेटर लुक है। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से बाउंस कर गया था तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए, तो फिलहाल में हम कह सकते हैं कि मार्केट में इनडिसीजन है और मार्केट इतना कुछ भी एकदम क्लियर स्पेसिफाइड तरीके से हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 4 आवर की, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। फिलहाल में हम लोग ईएमए रिबन के नीचे है, पर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे कुछ और भी ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग मतलब हमारे जो टूल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे को एक बियर फ्लैग देखने को मिल रहा था, जिसकी अगर हम हाइट को नापने की कोशिश करें तो जो प्राइस था वो कुछ 10K के आसपास इजीली आ जाना चाहिए था। लेकिन जो प्राइस है वो अभी हमारी ये जो बेस वाली ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे होल्ड करा हुआ है, और हमें वेट करना होगा इस वाली कैंडल का कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद जो अगली कैंडल है क्या वो ड्रॉप लेती है या फिर ऊपर की तरफ जाती है। वो हमें बताएगा कि मार्केट कितना स्टेबल रहने वाला है, कितना तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि चांसेस ये होंगे कि रात को ज़्यादा मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। और क्लियरली अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4 आवर में भी यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक
तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है कि यस मार्केट के अंदर फटाफट कुछ ना कुछ मूवमेंट आने वाला है, तो वेट करिए। और अभी आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। नेक्स्ट दोस्त इसका हम लोग बात करते हैं RSI और MACD का, तो क्लियरली देखिए कि जो RSI है वो नीचे की तरफ से ऊपर आ गया है और यहाँ पर हम लोगों को जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन जो MACD है वो एक ही जगह पर कन्फ्यूज़ होकर चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा कि जब इसका ग्रीन क्रॉस ओवर होता है तब हम जाके कुछ चीज़ें देखें। फिलहाल में ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि 1.5 घंटे बाद इस कैंडल क्या होता है और जब तक शायद वीडियो पर अपलोड हो जाएगी तो आप लोगों को भी यहाँ पे दिख जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं इथेरियम कॉइन के ऊपर। और इथेरियम पे दोस्तों कल हम लोगों ने जब यहाँ पे बनाया था तो कल एक कह सकते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल था जैसे BTC के अंदर था, कुछ इस तरीके का हमने फॉर्मेशन करा था, पर मैंने इस लाइन को हटा दिया है और इस लाइन को हटाने के बाद मैंने यहाँ पर बनाया एक फॉलिंग वेज। आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर भी प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट हुआ है और सेम तरीके से जैसे कि बिटकॉइन के अंदर सपोर्ट लिया है वैसा ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो फिलहाल में मेरे को वेट करना होगा इस पूरे प्राइस एक्शन का जो कि $267 से लेकर $263 के आसपास है, या फिर आप कह सकते हो $260। अगर ये $260 यहाँ से तोड़ देता है तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्ट करेंगे एंड फर्स्ट टारगेट हम $230 के आसपास यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों ये फॉलिंग वेज बना है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव पैटर्न है, अगर मैं इसको नापने की कोशिश करूँ तो चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस वापस से एक और बार ट्राई करें ऊपर जाने का, और अगर ऊपर जाके इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है देन हम लोग डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट ऊपर दोस्तों हमारे पास एक और मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगा जहाँ से प्राइस यहाँ पर नहीं जा पाया था जो कि $314 से लेकर $318 के बीच में है, तो इसको भी हमको ये देखना पड़ेगा कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं डेली कैंडल की और यहाँ पर अगर हम EMA रिबन की बात करें, इसको हम ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि जो EMA रिबन की एकदम बॉटम वाले लाइन के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है और वहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो पहला सपोर्ट हमको इसके बाद $248 के आसपास देखने को मिल जाएगा, और अगर वो उसको भी तोड़ देता है तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है इथेरियम के अंदर। लेकिन अभी चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि अगर बिटकॉइन अपर मूवमेंट लेगा तो इथेरियम भी ले लेगा, और अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा तो इथेरियम को भी बाय बाय टाटा हमको बोलना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि अभी किस तरीके से परफॉर्म करता है। वीकेंड है तो वीकेंड के लिए वीकली कैंडल को भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वीकली कैंडल तो बहुत ज़्यादा रेडिश बनी है, लेकिन कल का पूरा दिन हमारे पास बाकी है क्योंकि मंडे सुबह 5:30 बजे क्लोजिंग होगी, तब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिसीजंस होता है, मार्केट किस तरीके से इसको रिस्पेक्ट करता है। और अगर वीकली की बात करें तो वीकली में ऑलमोस्ट $232 तक मार्केट यहाँ पे सर्जअप कर सकता है, तो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बाकी मार्केट इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम है, लेकिन हमको देखना होगा कि किस तरह बिहेव होगा। और अभी फिलहाल में हम थोड़े से अपने जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं इनको यहाँ पे लेके चल सकते हैं ताकि ये देखने को मिले। और प्लस यहाँ पे EMA रिबन इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है ऑलमोस्ट $280 के आसपास तो पॉसिबिलिटी कम रहेगी कि जो मार्केट है इथेरियम का वो यहाँ पे ग्रो अप यहाँ पे कर पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं लाइटकॉइन के अंदर। सिमिलर वे है, कल जो हमारा सपोर्ट था ऑलमोस्ट वहाँ तक प्राइस आके बाउंस बैक करा है और वेट करना होगा इसमें अब नेक्स्ट मोमेंट हमको क्या देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम में चलूँ जो कि हमारी डेली वाली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे हमको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि अभी जो लाइट कॉइन है वो ऑलमोस्ट अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये जो एक सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है $98.3 के आसपास। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो लाइट कॉइन के अंदर हमको बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम इसके अंदर भी डिक्लाइन हो रहा है जैसे कि हम बाकी कॉइन्स के अंदर देख रहे हैं, तो लेट्स सी कि हम लोगों को कल या फिर आज रात को क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। फिलहाल में ये बॉटम की तरफ जा रहा है और ये भी नीचे की तरफ है RSI, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यस डेली के अंदर लाइट कॉइन और ज़्यादा गिर सकता है और हमारा जो नेक्स्ट है $84 वहाँ तक प्रॉबेबली मार्केट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 4 आवर की दोस्तों बात करूँ तो फिलहाल में हमें प्राइस को होल्ड करा हुआ है जैसे बाकी सब ने करा है, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जो कि एक न्यूट्रल पैटर्न है। लेट्स सी कि किस तरफ से ब्रेक डाउन करता है और हम लोग किस कितना स्पीड से यहाँ पे जाते हैं। अगर हम इसको तोड़ के ऊपर आ जाते हैं $105 को तो डेफिनेटली हम लोग $112 तक आ पाएंगे, नहीं तो जो प्राइस है वो यहाँ पर नीचे की तरफ क्रैश कर जाएगा। फिलहाल में इंडिकेटर थोड़े से पॉजिटिव है छोटी टाइम फ्रेम के अंदर सभी कॉइन्स के, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना यहाँ पे सर्जअप करता है और उसके बाद जो प्राइस एक्शन आएगा उसके हिसाब से हम आगे के डिसीजंस यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं BNB कॉइन के ऊपर, और अगर हम BNB कॉइन की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मार्केट ने सर्जअप करने का थोड़ा सा रिट्रेस लिया है। फिलहाल में ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारी अभी भी बरकरार है,
इसका वेट करना होगा क्योंकि जब तक ये टूटता नहीं, और मेनली मेनली 34.5 डॉलर का एक जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं तोड़ता तो जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिर के वापस से 28 डॉलर को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देता है और किस हिसाब से यहाँ पे चलता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग चलते हैं नियो के अंदर, और नियो में भी दोस्तों सेम आपको लाइटकॉइन जैसा ही प्राइस देखने को मिल जाएगा। अभी हम सपोर्ट के ऊपर बैठे हैं तो इसमें भी हमको वेट करना होगा कि आगे प्राइस एक्शन हमको क्या मिलता है। वॉल्यूम ऑलरेडी इसमें भी डिक्लाइन हो रहा है थोड़ा से, 4 आवर्स में सारे ही इंडिकेटर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डेली की तो डेली में सारे इंडिकेटर नेगेटिव से, जो कि यही बता रहे कि यस मार्केट के अंदर एक करेक्शन आएगा और डेफिनेटली इसको करेक्शन को लेने के बाद मार्केट फिर एक ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पर निकल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन्टोलॉजी कॉइन के ऊपर, तो ऑन्टोलॉजी का भी दोस्तों अभी लास्ट सपोर्ट पे बैठा है एज इट इज, और यहाँ पे जो चैनल था उसके अंदर ही अभी भी प्राइस फंसा हुआ है। तो अगर इस चैनल को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि बाइनेंस पे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है अभी हम देख सकते हैं। अगर हमको इससे कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो हमें थोड़ा वेट यहाँ पे करना चाहिए। लास्ट दूसरे कॉइन है वो है दोस्तों हमारा XRP, और XRP ने तोड़ने के बाद से ऑलरेडी अभी सेंटर में अटका हुआ है, जो कि आप कह सकते हो कि इसका एक लोकल सपोर्ट, आप इसको यहाँ पे कह सकते हो कि ये वाला जो लोकल सपोर्ट है उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे टिका हुआ है। जब तक प्राइस इसके ऊपर है 0.32 सेंट के ऊपर तब तक ठीक है, नहीं तो अगर प्राइस आता है तो 0.29 हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल में मार्केट में पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम है, शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें से 4 आवर, तो यस डेफिनेटली हमें मार्केट थोड़ा सा सर्जअप करता हुआ दिख सकता है कुछ इस फॉर्म के अंदर, एंड उसके बाद शायद हमको एक ड्रॉप देखने को मिले। तो वेट करना होगा हम लोगों को ब्रेकआउट का बिटकॉइन के, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होगी कि USD पेयर की जो मेनली कॉइन्स है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। फिलहाल में अगर मेरी तरफ से मैं अगर कहना चाहूँ तो मुझे ये एक एक्युमुलेशन फेज लग रहा है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे भी देख चुके हैं कि ये वाला जो एक फेज था ये पूरा एक्युमुलेशन फेज था, उसके बाद मार्केट सर्जअप करके आया था। फिलहाल में अगर आप ये वाले लाइन को देखने की कोशिश करोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट बहुत हद तक सेम जैसा आपको देखने को मिलेगा, तो प्रॉबेबली चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट ऐसे सर्जअप कर जाए। लेकिन जब तक ये 12,000 को पार नहीं करता तब तक मैं इसमें बुलिश नहीं हो पाऊंगा। एक बार 12,000 ने पार कर देगा तो डेफिनेटली फिर हमें यहाँ पे पता पड़ सकता है कि यस अब हमारे पास कुछ चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने सारे कॉइन्स कवर कर लिए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स हो या आपके कोई कॉइन पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। प्लस दोस्तों कल संडे है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जो मेरा ये वाला कोर्स है आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो और हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स है वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो भी आपका होगा लाइफ टाइम उसके अंदर कोर्स में आप सभी के साथ में आपके साथ काम करने वाला। सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी, दोस्तों अगर वीडियो को पसंद हो दोस्तों कर देना लाइक, नहीं आया तो दोस्तों कर देना डिसलाइक। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आप सभी वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।